हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग पर। तो आज हम लोग जा रहे हैं टूपू दाना नामक एक जगह है, वहाँ पे वाटर पार्क है, तो वहीं पर जा रहे हैं हम लोग नहाने के लिए। तो देख सकते हैं साथ में तोहित भी है और पीछे सब दोस्ती लोग हैं। इस्तखार भाई नहीं है, उसका ड्यूटी है, छूट गया पीछे। वो अबुजर बोला है लोकेशन भेजने के लिए, तो उसको लोकेशन भेज देंगे, वो पीछे से आएगा। हम लोग जिस जगह पर हैं यहाँ से टूपू दाना का रास्ता बहुत लंबा है, हम लोग को पता नहीं है कितना दूर है। 45 किलोमीटर। हाँ, तोहित बोल रहा है कि 45 किलोमीटर है, तो फोर व्हीलर में तो उतना खास पता नहीं चलेगा हम लोग को, बाइक में रहने से पता चलता है रास्ता का। यहाँ तो आराम से जा रहे हैं हम लोग। फुटकल टोली में रुके थे नमाज़ पढ़ने के लिए, तो नमाज़ पढ़ के हम लोग निकल चुके हैं और अभी जा रहे हैं होटल में खाएंगे, उसके बाद निकलेंगे। फॉल का लगा हुआ है बोर्ड। हम लोग बहुत देरी से सफ़र कर रहे हैं, इसी वजह से नींद भी आ रही है और एकदम झुकझुक आ रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग, दिमाग भी छोटा हो गया है। आप लोग देख सकते हैं हम लोग पहुंच चुके हैं। तोहित को समझ ही नहीं आ रहा कि कहां पे गाड़ी लगा है, यहां पे पूरा भरा हुआ है लोग, देख सकते हैं इधर भी गाड़ी है उधर भी है। अब हम लोग तो पहली बार आए हैं, यहां के बारे में कुछ पता नहीं है हम लोग को, और अभी जाएंगे आगे और इधर मार हो गया है। तो आप लोग देख सकते हैं ये मोबाइल रखने वाला है, जब वाटरफॉल में जाएंगे तो पानी ना पड़े, इसी वजह से इसको लेना ज़रूरी है। तो इसका दाम है 40 रुपया। यहाँ से थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा आपको, उसके बाद है वाटर पार्क। हम लोग का इतना दूर आना बेकार हो गया, हाँ हम लोग को फंसाया गया है, बजाया गया है सर। हम लोग इतना दूर आए, उसके बाद पता चला कि यहाँ का 500 है टिकट और लड़की लाया है नचवाने के लिए, तो एकदम हम लोग नहीं रुकेंगे। अगर 500 टिकट रहता और लड़की नहीं रहती तो हम लोग यहाँ पे रुकते। तो देख सकते हैं हम लोग सब मनवा गए हैं और वापस जा रहे हैं। देख रहे हैं पूरा मोबाइल रखने के लिए भी ले लिए थे लेकिन प्रैंक हो गया हम लोग के साथ, प्रैंक हो गया आपके साथ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डायो बाइबल। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अरे बहुत मुश्किल से याद कर रही है। अभी हम लोग जा रहे हैं बायो टावर सिटी। चाचा हीरो जैसा दिख रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग बायोडाइवर्सिटी पहुंच चुके हैं और यहाँ का पार्किंग में है, देख रहे हैं पार्किंग में गाड़ी लग चुका है। अब हम लोग जाएंगे आगे और यहाँ भी पार्किंग का पैसा लगता है, हर जगह पैसा लगता है, क्या करें, बर्बाद हो जाएंगे हम लोग घूमने के चक्कर में। आप लोग देख सकते हैं हम लोग गलल केरा लेके आए हैं और तो खा गया गलल केरा। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए रहते हैं हमेशा, हम लोग जब भी इस जगह पर आए हैं हमेशा इस जगह पर भीड़ रहती है। यहाँ पे टिकट घर है और वहाँ पे चेक करता है टिकट और अंदर घुसाता है। तो हम लोग यहाँ पर आए टिकट लेंगे, तो पूछ के आ रहा कितना टिकट लगता है रे। तो इस जगह का पहले वीडियो बना चुके हैं हम, पूरा डिटेल में वीडियो बना दिए हैं, तो आप लोग जाइए चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप लोग चेक कर लीजिएगा, पूरा बेहतरीन से वीडियो बना हुआ है। वो यहाँ पे देख सकते हैं टिकट चेक हो रहा है और यहीं से अंदर जाने का परमिशन मिलता है। चलो भैया, हम लोग बायोडाइवर्सिटी के अंदर आ चुके हैं, ओ पार्क के अंदर आ चुके हैं। तो देख सकते हैं यहाँ की खूबसूरती को और यहाँ का नज़ारा बहुत ही मस्त है। तो देख लीजिए ये फव्वारा है, इसमें पानी गिर रहा है और यहाँ बस आप लोगों को देखने को मिलेगा फूल, पेड़ पौधे और यहाँ बहुत हरियाली है और यहाँ पे साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पे का है बस पेड़ है पौधा है, आपको यहाँ हर तरह का पौधा नज़र आ जाएगा, आपको जो चाहिए उधर जड़ी बूटी भी मिलता है, दवाई हुआ है। देख सकते हैं समीर आज जो बोलेगा वही करेंगे, समीर जिधर जिधर ले जाएगा हम लोग को उधरे जाएंगे। ये है एक छोटा सा पुल बनाया गया है, देख रहे हैं ये, और यहाँ पे खड़ा है शाहरुख वाला पोज दे रहा है। ये जो मर्द है ना ये सलमान खान का फैन है लेकिन शाहरुख खान का पोज देता है, लाजे उसका कोई पोज ही नहीं है। और देखिए कौन वाला
धीरे धीरे चुपके से चोरी। तो कुकुर भी लाती है? नहीं कुकुर भी लाती नहीं, सर पे गंदा है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ मेहनत चल रही है, यहाँ पे तैयारी चल रही है और पेड़ पौधे लगाने की। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं, ये है इलायची का पौधा। बहुत मज़ा, आप लोगों को तो पूरा इस जगह का नज़ारा दिखा देंगे लेकिन हर चीज़ का एक एक करके नाम नहीं बताने सकेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इस जगह पर पेड़ पौधे हैं। अरे हम लोग घर तरफ नदी तरफ मिलता है चिरायता, इसको क्या नाम लिख दिया है, काल में चिरायता। तो आप लोग देख सकते हैं इस पौधे का फ़ायदा क्या है रे, हैजा, मधुमेह, खुजली, बवासीर, तो इन सब बीमारियों में ये पौधा इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी को चोट लग जाता था तो हम लोग इसी का पत्ता को पीस के उसका रस जो होता है उसको दे देते थे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एरिया आयुर्वेदिक वाला पौधे हैं, इसमें सारे पौधे उपयोगी हैं। आगे में देख सकते हैं उन लोग जा रहा किचकिचाल, और क्या है रे, हर सिंगार, ये है हर सिंगार, देख सकते हैं कितना सुंदर है, पुरानी बुखार, गठिया, जोड़ों में दर्द में उपयोगी। तो आप लोगों को बता रहे हैं यहाँ पे जितने भी पौधे हैं सारे उपयोगी हैं, बहुत ही अच्छा। हम लोग कुछ पौधों को इस्तेमाल कर चुके हैं, जैसे चिरायता लिखा हुआ था वो आगे में दिखाया था आप लोगों को पौधा, तो उसको जब हम लोग का खुजली हो जाता था या चेहरा में कुछ दाग हो जाता था तो उसको हम लोग इस्तेमाल करते थे। नदी जाते थे तो हरी से लाते थे चिरायता और उसको पानी में भिगो के रखते थे, फिर उसको सुबह में खाली पेट में पीते थे। यहाँ पे देखिए कितना सुंदर, कितना मेहनत किया गया है अंदर में, अंदर में जो घास है उसको पूरा बराबर से काट दिया गया है, और यहाँ पे का लिखा हुआ है रे, देख रहे हैं हाथी बनल है। आप लोग इस जगह पर किसी के साथ भी आ सकते हैं, फैमिली के साथ हो, दोस्त के साथ भी, किसी के साथ भी आ सकते हैं इस जगह पर घूमने के लिए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा कैंटीन है, यहाँ पे सामान मिलता है खाने पीने का। और बारिश की वजह से हम लोग यहाँ पे रुके हैं, मत सोचिएगा हम लोग खाने के लिए रुके, काहे पैसा नहीं कर रहे, बोल रहे कि यहाँ पे नहीं रुकना है। कौन घर में भी बहुत चीज़ मना किया जाता है लेकिन कभी नहीं माने हैं तो यहाँ भी नहीं मानेंगे। बारिश हो रही थी इसी वजह से हम लोग एक जगह पर रुके हुए थे, और अभी बारिश रुकी है तो हम लोग जा रहे हैं आगे और चीज़ों को देखने के लिए। केकटस है आगे, देख सकते हैं इतना यहाँ कितना बारिश हुई, बारिश बिल्कुल थम चुकी है और आगे जा रहे हैं हम लोग। हाँ, देख रहे हैं सांस रोक के है अभी, कुछ नहीं बोल रहा है, बोलेगा हाँ देख के पेट देखिए, हेल्थ के बारे में सोचिए। हाँ तो यही बोल रहा है हेल्थ के बारे में। हम लोग 2-3 साल पहले से डिसाइड कर रहे थे कि जाएंगे सुबह में दौड़ने के लिए और क्रिकेट भी खेलेंगे, लेकिन तोहित नहीं आया खेलने के लिए दौड़ने के लिए। हम तो जाते हैं, हम जाते हैं दौड़ते हैं और अपना शरीर को थोड़ा सा तो कम किए हैं, आप लोगों को नज़र आ रही होगी। तो आप लोग इस जगह को देखिए, यहाँ पे छोटा सा तालाब बनाया गया है और आगे भी नहीं जा सकते, देख सकते बैरिकेड दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे बैठने के लिए एक जगह है और बारिश से बचने के लिए भी ये जगह बहुत अच्छी है, तो हम लोग इसी जगह पर बचेंगे। और देख सकते हैं इन लोग पसर गया यहाँ पर बैठ गया एकदम पैर को चार बना के। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए तो लौका गर्जा का कहते हैं भैया, लौके गर्जा, लौका गर्जा, तो यहाँ पे लौका गर्जा हो रहा है। ओ बादल गरज रहा है, बिजली कड़क रहा है, कड़क बिजली कड़क रही है बिजली। हम ना सकेंगे इतना हिंदी, अरे मुझकर मोहनस करने जैसा होता है सुनिए। तो आप लोग देख सकते हैं इस जगह को चिल्ड्रंस पार्क कहा जाता है, इसमें बच्चे लोग खेलते हैं, कूदते हैं, मजे करते हैं। तो आप लोग भी आइए और अपने बच्चों को साथ में लाइए और अपने बच्चों को मज़ा कराइए। हम लोग का तो बच्चा नहीं है, शादीशुदा नहीं है, हम लोग समीर शादीशुदा है, तो ये लाएगा अपना बच्चा को और यहीं हैं लाएगा, बोला है। उतना आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो बच्चों के लिए है और बारिश भी हो रही है तो हम लोग को जाना पड़ेगा घर। तो हम लोग वापस जा रहे हैं घर की ओर, नहीं बाहर निकलने जा रहे हैं जगह से, और अभी थोड़ा सा घुसेंगे जहाँ पे कैक्टस एरिया है बनाया गया है, बहुत सुंदर सुंदर जो लुप्त हो रहे हैं कैक्टस उसको यहाँ पे बचा के रखा गया है। तो जाएंगे देखेंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे वो कैक्टस एरिया। समीर टेम्पू जैसा रोकता है जहाज को।
समीर बोल देता है रुकिए हम भी जाएंगे, जहाज रुकेगा, आप ही लोग बोलिए। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे हाथ बनाया गया है, ये पानी छानने जैसा है और बैठने के लिए ये सबको बनाया गया है, और वहाँ पे मोर है बैठने के लिए। यहाँ पे बहुत लंबा एरिया है, तो यहाँ पे आके थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती है, इसी वजह से जगह जगह पर बना दिया गया है बैठने के लिए। केक्टस एरिया बंद है शायद, लेकिन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बंद, ताला बंद है, तो आप लोगों को नज़र आ रही होगी। ठीक है, हम जो पहले वीडियो बना चुके हैं उसमें पूरा का पूरा दिखा दिए हैं कि कौन सा केक्टस है, क्या केक्टस है और कौन सा प्रजाति का है, सारा चीज़ बता दिए हैं। तो आप लोग जाके चेक कीजिए वो वीडियो, वक्त हो चुका है इसी वजह से बंद कर दिया गया है, क्योंकि हम लोग उधर थे उसी टाइम भिसिल बज चुका था, तो फिर हम लोग निकलने जा रहे हैं, निकल रहे हैं भिसिल सिटी रेज। उनको बता दें कि इस जगह पर बहुत ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है यहाँ के लुप्त हो रहे हैं पेड़ पौधों को बचाने के लिए, सरकार बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है, लेकिन इसमें जो लोग रहते हैं इस जगह पर उनका बड़ा योगदान है इस जगह को खूबसूरत बनाने के लिए, क्योंकि इस जगह पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं वो लोग, तभी आप लोगों को दिखाएं। उन लोग और भी पेड़ पौधे लगाने की कोशिश में थे, तो हम लोग भी यहाँ पे आते हैं तो साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखें और यहाँ के पेड़ पौधों को ना छुएं, यही बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे लोग मेहनत कर रहे हैं तो उनके मेहनत पे पानी ना फेरें, हमारे आने वाले लोगों के लिए बचा के रखा जा रहा है इन पौधों को, अगर इन पौधों को बचा के नहीं रखा जाएगा तो किसी दिन ये लुप्त हो सकते हैं, इसी वजह से इसको बचाया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे दर्शाया गया है, लिखा हुआ है कृपया फूल पौधों को ना छुएं। हम लोग घुसने के टाइम उधर से गए थे अंदर और निकलने के टाइम इधर से आ रहे हैं, और हम लोग की गाड़ी वहाँ पर है, देख रहे हैं हम लोग अपने गाड़ी के पास पहुँच चुके हैं, अभी जा रहे हैं गाड़ी में बैठने के लिए, समझे ब्रदर। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग गाड़ी पे बैठ चुके हैं, सारे लोग सब आ गया, देख रहे हैं, और तोहित भी तैयार है गाड़ी चलाने के लिए। इस पार्क से हम लोग निकल चुके हैं, इस पार्क का पूरा नाम है बायोडाइवर्सिटी। तो ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और बहुत किचाइन हो रहा है, खत्म ही करने नहीं दे रहा है टकला। ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, अरे कसम करने दो ना रे। ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग में बस इतना है, वीडियो को तो ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है रे टकला चला टकला।